गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है स्वतंत्रता से संबंधित। स्वतंत्रता की बात हमने की कि स्वतंत्रता है वो व्यक्ति के जीवन से किस प्रकार संबंधित है और स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार की बाधाओं का अवरोधों का सामना करना पड़ता है उसको। तो ये स्वतंत्रता है ये हमें एकाएक ही नहीं मिली, बहुत लंबी संघर्ष करने के पश्चात है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर ये स्वतंत्रताएँ मिली है। और स्वतंत्रता किन से मिली है? जिन शासकों का, जिन समूहों का, शक्तिशाली समूहों का हमारे ऊपर अधिकार था, उन अधिकारों से हमें स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता किस रूप में मिली? जब हमने उनसे लंबे समय तक संघर्ष किया, उनका विरोध किया और उनके अत्याचारों को, उनके शोषण को हमने सहा नहीं, तब जाके व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली है। इस कारण कहा जाता है कि स्वतंत्रता है वो एक हमें नहीं मिली, बहुत लंबे संघर्ष के बाद में ये सपने हमें मिली है। तो बात आती है कुछ प्रमुख महानतम व्यक्तियों की, जिन्होंने क्या है कि स्वतंत्रता को दिलाने में विभिन्न क्षेत्रों में अपना विभिन्न विभिन्न योगदान दिया। तो हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, अपने जीवन का बलिदान किया, किसके लिए? स्वयं की स्वतंत्रता के लिए। और जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ की जो समस्याओं को उन्होंने समझा, अनुभव किया, उसके लिए उन्होंने समाज में बहुत सारे प्रयास किए। और प्रयास करने पे क्या है कि इन समस्याओं का हल मिला और व्यक्ति और समाज को जो नियम है, कानून है, उन बंधनों से कुछ हद तक मुक्ति मिली और अत्याचारी शासन है उस पर नियंत्रण धीरे धीरे हो गया। तो नेल्सन मंडेला के जो विचार है, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में त्याग किया, किस प्रकार से बलिदान दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? नेल्सन मंडेला के बारे में। बात आती है अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता की बाधाओं को दूर करना। अन्यायपूर्ण यानी जिसमें न्याय की भावना नहीं हो और व्यक्ति के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, किस प्रकार से उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के उन प्रतिबंधों को दूर करना। साथ में स्वतंत्रता के मार्ग में जो बाधाएं आ रही है, जो रुकावट आ रहे हैं, जो अवरोध आ रहे हैं, उनको दूर करना। बात आती है जो उनका संघर्ष था वो प्रमुख रूप से जो उनकी आत्मकथा थी, उसमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें क्या है कि उनकी आत्मकथा में विचार स्पष्ट रूप से सामने आते हैं जिनका उन्होंने वर्णन किया। तो इसका अर्थ है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। हमने बात की थी कि स्वतंत्रता है हमें तुरंत नहीं प्राप्त हुई, इसके लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, एक लंबी यात्रा के बाद में ये स्वतंत्रता हमें मिली है। बात आती है जो मंडेला का जो संघर्ष था प्रमुख रूप से वो किस से संबंधित था। तो मंडेला ने जो संघर्ष किया अपने जीवन में वो काले और गोरे लोगों के बीच में जो संघर्ष था आपस में, उस विवाद से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। गोरे लोग हैं वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें असमान समझते थे, उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, जबकि जो गोरे लोग हैं उनको सब प्रकार से स्वतंत्रता मिल रही थी, सब प्रकार से अधिकार मिल रहे थे और उनके ऊपर किसी प्रकार के बंधन वगैरह नहीं थे, वो चाहते थे वो कर सकते थे। बात आती है जो मंडेला का जो जीवन है उसमें क्या है कि उन्होंने जो संघर्ष किया, जो उन्होंने कार्य किए, तो उस कार्यों के कारण क्या है कि उनको जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी और जेल में उनको बहुत अधिक समय तक रखा और अंधेरे वाले स्थान पर रखा। तो बात आती है कि जो नेल्सन मंडेला है उनको कितने वर्षों तक जेल के अंधेरे में रहना पड़ा था, तो 28 वर्ष तक जो नेल्सन मंडेला है उनको जेल की यातनाएं सहनी पड़ी थी, अंधेरे में अपना जीवन यापन करना पड़ा था। इस दौरान कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं उनके जीवन में घटित हुई और उनका सामना उनको करना पड़ा। बात आती है युवा अवस्था का त्याग व बलिदान। युवा अवस्था जो एक व्यक्ति के जीवन के प्रकार से तरुण अवस्था होती है, युवा अवस्था होती है जिसमें वो स्वतंत्र रहना चाहता है, स्वतंत्र विचरण करना चाहता है, स्वतंत्र रूप से वो हर प्रकार से अपने जीवन के कार्य करना चाहता है। तो वो जो युवा अवस्था है वो नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के कारण, इस संघर्ष के कारण क्या है कि उनकी युवा अवस्था का त्याग और बलिदान उनके समय का हो गया। बात आती है कि उनके प्रमुख जीवन से संबंधित जो त्याग है जो उन्होंने किए अपने जीवन में, जो एक युवा अवस्था में उन्होंने किए, उनका एक जो उदाहरण है वो अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। बात आती है दोस्तों के साथ बातचीत करना। जो समय अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, मौज मस्ती में जो युवा है वो लगाते हैं, उस बलिदान को स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया उसके लिए। बात आती है कि उनका जो प्रिय खेल है, फिर ये जो खेल है वो कौन सा है, बॉक्सिंग बताया गया है।
लेकिन उसने स्वतंत्रता के लिए अपने प्रिय खेल से पर्याप्त दूरी बना ली और उन्होंने बॉक्सिंग से संबंधित जो खेल है उसके लिए पर्याप्त दूरी होने के कारण उस खेल में रुचि रखने के बावजूद भी क्या है कि खेल नहीं पाते थे। बात आती है अपने पसंद के कपड़े पहनना। वो स्वतंत्रता के संघर्ष में जब पूर्ण रूप से इसमें आगे बढ़ते गए तो उन्होंने अपने रहने खाने और कपड़े पहनने तक की उनको शुद्ध नहीं रहती थी और उन्होंने कपड़ों का अपने जीवन में पूर्णतः क्या है अभाव देखने को मिलता है। बात आती है जीवन के आनंद का त्याग। जीवन में जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, जो अपने घर परिवार समाज के साथ रहने में उनको ये जो खुशी है, ये आनंद है, ये प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, स्वयं के लिए और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपने जीवन का, अपने समय का पूर्ण रूप से त्याग और बलिदान किया। बात आती है अपने लोगों के लिए संघर्ष चलाया। उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, समानता की लड़ाई लड़ी, किसके लिए लड़ी, अपने लिए और अपने समाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया और बलिदान किया। बात आती है जेल से आजादी का समय मालूम नहीं। नेल्सन मंडेला को जब जेल में डाला गया तो उन्हें यह तक मालूम नहीं था कि कितने समय तक उनको जेल में रखा जाएगा, कितने समय के बाद में उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। तो उनको जब ये जानकारी ही नहीं थी कि उनकी आज़ादी, उनकी मुक्ति कब होगी। बात आती है स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत कीमत चुकाई। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, संघर्ष के लिए क्या उनकी कीमत चुकाई, अपने व्यक्तिगत जीवन है उसमें जो सुख सुविधाएं हैं, जो समय है, उस समय का और उस व्यक्तिगत सुविधाओं का उन्होंने त्याग किया और उस कार्य को, उस समय को उचित समाज और देश के विकास के लिए उन्होंने अपने जीवन का त्याग और बलिदान किया। बात आती है गांधी जी के अहिंसा के विचार हैं, उनकी प्रेरणा है प्रमुख रूप से किसने प्राप्त की या किस ने इनके प्रेरणा से अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए। तो प्रमुख जो प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो आंग सान सू है, जिन्होंने गांधी जी जो अहिंसा के विचार है, अहिंसा का मतलब होता है किसी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा नहीं करना और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना, चाहे वो धरने के रूप में हो, चाहे वो प्रदर्शन के रूप में हो, चाहे वो शासन के खिलाफ किसी प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए, उनका विरोध करने के लिए अपनाए गए तरीके हो। तो अहिंसा का जो पाठ है वो प्रमुख रूप से जो पढ़ाया गया पढ़ा आंग सान सू ने पढ़ा। बात आती है आंग सान सू को नजरबंद है वो कहाँ बंद किया गया। नजरबंद का मतलब होता है किसी को उसकी जानकारी नहीं रहना या फिर पूर्णतः उसको क्या है बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं देना, एक स्थान पे उसको कैद रखना एक प्रकार से। तो उनको जो कैद रखा गया था वो उनके ही घर में आंग सान सू को क्या है नजरबंद कर दिया गया था, किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। बात आती है पति व बच्चों से अलग रखा गया। जो आंग सान सू है उनको क्या है उनके परिवार से, उनकी फैमिली से उनको अलग कर दिया गया और पति और उनके बच्चे हैं उनसे उनको मिलने नहीं दिया जाता था। बात आती है पति है वो कैंसर से पीड़ित थे, पति है वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे और अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई का, उसके बावजूद भी क्या है कि उनको उनके पति से नहीं मिलने दिया गया। बात आती है पति से मिलने नहीं दिया गया क्योंकि उनको भय था, उनको डर था कि अगर ये पति से, पति पत्नी दोनों आपस में मिल लेंगे तो क्या होगा कि ये वापस से लौट के नहीं आएंगे और वो हमारे शिकंजे से, हमारे नियंत्रण से मुक्त हो जाएंगे। बात आती है पति से मिलने इंग्लैंड गई तो वापस नहीं आएगी। जो आंग सान सू है अगर वो अपने पति से मिलने पहुंच गई तो पहुंचने के बाद में वापस क्या है कि वो इंग्लैंड नहीं आएगी और इंग्लैंड नहीं आने के कारण क्या है कि उसको नजरबंद नहीं रखा जाएगा। बात करते हैं जो आंग सान सू है उनकी जो पुस्तक है उसका जो शीर्षक था वो किस रूप से जुड़ा हुआ था और किस प्रकार से उस पुस्तक से हमें प्रेरणा मिलती है और उस पुस्तक में प्रमुख रूप से किन बातों को सम्मिलित किया गया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आंग सान सू की जो पुस्तक का शीर्षक था वो एक बहुत ही आकर्षक और प्रमुख रूप से विशेष किसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसको लिया गया था। शीर्षक था फ्रीडम फ्रॉम फियर। क्या था इसका शीर्षक, फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब इसका जो हिंदी अर्थ है वो होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर का
भय से मुक्ति, यानी हमें किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार का भय है, या हम अपने आप को किसी दूसरे के नियंत्रण में समझते हैं, या दूसरे से हम डरते हैं, तो उस डर से, उस भय से अपने आप को स्वतंत्र रखना, अपने आप को मुक्त रखना, और किसी प्रकार से डर या भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, अपने जीवन पे, अपने कार्यों पे हावी नहीं होना, उसका प्रभाव अपने कार्यों पे नहीं पड़ना। बात आती है भय के रहते गरिमापूर्ण जीवन नहीं, यानी जब व्यक्ति के जीवन में भय होता है, डर होता है, तो वो अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक, समानतापूर्वक अपना जीवन नहीं बिता पाता, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य नहीं कर पाता। तो इसलिए आवश्यक है कि गरिमापूर्ण जीवन मिले, उसको अच्छी तरीके से उसका सम्मान हो, उसको कार्य में स्वतंत्रता मिले, उसको किसी प्रकार से बंधन से मुक्ति मिले। तो इसलिए आवश्यक है उसका गरिमापूर्ण व्यक्ति का जीवन जीना। बात आती है लोगों के विचारों व सत्ता के व्यवहार से डरना नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की जो कोई आलोचना कर रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समाज हो, चाहे सरकार हो, हमें उन कार्यों से, हमें उनकी आलोचना से डरना नहीं, क्योंकि हम उनसे आलोचना से डरेंगे, उनके भय से अपने कार्य नहीं करेंगे, तो अपने मन की जो आकांक्षाएं हैं, अपने जो विचार है, अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपने जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है इस भय से, इस डर से व्यक्ति के जीवन में मुक्ति होना। बात आती है डर पर विजय प्राप्त करना। व्यक्ति जब तक इस डर को, इस भय को अपने मन से नहीं निकालेगा, अपने मन से त्याग नहीं करेगा, तब तक ये आकांक्षाएं हैं, ये उसकी इच्छाएं हैं, उसके ये विचार है, वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए आसपास के लोग क्या सोचते हैं, सरकार का नजरिया क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए, इसके साथ ज़्यादा इस बात को महत्व नहीं देते हुए, स्वतंत्र रूप से क्या है कि अपने कार्यों को, अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना, और बिना किसी डर और भय के। बात आती है स्वतंत्रता की जो आदर्श पुस्तक है, वो प्रमुख रूप से किन किन विचारकों की रही है, जिनका जो महानतम व्यक्ति रहे, महान व्यक्तित्व रहा, तो प्रमुख रूप से ये दो पुस्तकें हैं, ये प्रमुख रूप से नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की रही है, जिन्होंने क्या है कि स्वतंत्रता से संबंधित, भय से संबंधित अपने विचारों को व्यक्त किया है। एक ने जहां कहा कि स्वतंत्रता है वो हमें एकाएकी नहीं मिली, लंबे संघर्ष के बाद में प्राप्त हुई है। जहां आंग सान सू ने कहा कि जो हमें किसी प्रकार का भय है, किसी प्रकार का डर है, वो हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, उस भय से मुक्ति मिलना व्यक्ति को जरूर आवश्यक बताया गया है। बात आती है स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता है उसका क्या अर्थ है, क्या उसका महत्व है, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता है तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वतंत्रता किस स्तर पर, किस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को मिलनी चाहिए, मिले तो कितनी मिलनी चाहिए, किस स्तर पर व्यक्ति के जो आकांक्षाएं हैं, जो उसके विचार हैं, उसके कार्य हैं, उन प्रतिबंध लगाया जाए। बात आती है व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। व्यक्ति पर जो आसपास का जो क्षेत्र है, सरकार है या व्यक्ति विशेष है, उसका व्यक्ति विशेष पर, सामान्य व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वो उन प्रतिबंधों से पूर्णतः क्या है आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। बात आती है बाहरी दबाव व नियंत्रण से मुक्त, वो जो कार्य कर रहा है, जो उसके विचार है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उनको किसी प्रकार से दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब तक किसी दबाव में रहेगा, किसी प्रकार नियंत्रण में रहेगा, तो अपना विकास नहीं कर पाएगा, और व्यक्ति के विकास से किसका विकास जुड़ा होता है, समाज का विकास जुड़ा होता है। बात आती है बिना किसी पर निर्भर निर्णय। व्यक्ति के जो निर्णय हैं, व्यक्ति के जो कार्य हैं, वो किसी दूसरे पर निर्णय निर्भर नहीं करते, दूसरे पर आधारित नहीं होते, तो उसके जो निर्णय हैं, उसके जो कार्य हैं, वो स्वयं पर निर्भर होने चाहिए, न किसी दूसरे व्यक्ति विशेष पर निर्भर होने चाहिए। बात आती है स्वायत्त तरीके से व्यवहार करना, यानी जो उसका व्यवहार है, उसका जो कार्य है, वो अपने मन के अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, न कि किसी दूसरे के प्रभाव में आके, किसी दूसरे के नियंत्रण में आके उसके कार्य या व्यवहार होना चाहिए। बताती है स्वतंत्रता का जो प्रमुख अर्थ है, प्रमुख अभिव्यक्ति है, वो क्या है, जो हमने अब तक पढ़ी, उसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ जो बताया गया है, वो बताया गया आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना। आत्म अभिव्यक्ति यानी व्यक्ति के मन में जो छुपी हुई योग्यताएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनको अपने विचारों के द्वारा प्रस्तुत करना।
भारतीय अंदर की संभावनाओं का विकास करना, व्यक्ति की रुचि किस चीज में है, वो क्या करना चाहता है, किस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उन भावनाओं का समय समय के साथ विकास करना, न कि उन भावनाओं को उन विचारों को दबाने का प्रयास करना। भारतीय न्यूनतम है सामाजिक अवरोध, व्यक्ति की जो ये स्वतंत्रता है, व्यक्ति के जो ये खुद के विकास की स्थिति है, उस पे क्या है कि समाज और सरकार के द्वारा न्यूनतम स्तर पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। वो प्रतिबंध क्यों हो, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के कारण क्या है, किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का नुकसान नहीं पहुंचे, दूसरे की स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप नहीं हो, इस प्रकार क्या है कि उसकी स्वतंत्रता पर न्यूनतम है, कुछ प्रतिबंध है, आवश्यकता के आधार पे, समय के आधार पे लगाए जा सकते हैं।